हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। 3, 2, 1। तो सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन करना, हमने गूगल क्रोम को ओपन किया। इसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इतना टाइप करने के बाद इसको सर्च कर देंगे होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस लिंक में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोगों को क्विक लिंक्स वाली सेक्शन में आना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आएंगे। आधार को पैन से लिंक करने के लिए लिंक आधार में क्लिक करेंगे। इसके बाद इन कैटेगरीज के अंतर्गत आने वाले लोगों को अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना नहीं है। अगर आप NRIs अर्थात नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियंस हैं, अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं हैं, अगर आपकी एज 80 ईयर से ज़्यादा है, अगर आप असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर इन स्टेट या यूनियन टेरिटरीज से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना आवश्यक नहीं है। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए पैन नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, वैलिडेट में क्लिक करेंगे। अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं होगा तो आपके सामने मैसेज लिख के आ जाएगा पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। इसके बाद कंटिन्यू टू पे में क्लिक करेंगे, पैन नंबर डालेंगे, दोबारा से पैन नंबर डालेंगे, कन्फर्म करेंगे, कोई सा भी आप मोबाइल नंबर डालेंगे, कॉन्टिन्यू में क्लिक करेंगे, OTP डालेंगे, कॉन्टिन्यू में क्लिक करेंगे, इसके बाद कॉन्टिन्यू में क्लिक करेंगे। इसके बाद इनकम टैक्स वाली सेक्शन में आने के बाद प्रोसीड में क्लिक करेंगे। इसके बाद असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका असेसमेंट ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर से 1 ईयर एक्स्ट्रा होता है। जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 चल रहा है तो उसका 1 ईयर एक्स्ट्रा असेसमेंट ईयर होगा। कहने का मतलब आपका जो असेसमेंट ईयर होगा 2025 से 2026 होगा। यदि आप 2024 से 25 वाले फाइनेंशियल ईयर में आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर रहे हैं तो आपको असेसमेंट ईयर 2025 से 2026 को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद पेमेंट टाइप में हमें सेलेक्ट में क्लिक करके अदर रिसिप्ट्स 500 को सेलेक्ट करना है। इसके बाद सब टाइप ऑफ पेमेंट में फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार, इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, कॉन्टिन्यू में क्लिक करेंगे। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए 1000 का आपको पेमेंट करना होगा, कॉन्टिन्यू में क्लिक करेंगे। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, बैंक काउंटर, RTGS या नेफ्ट या फिर पेमेंट गेटवे UPI क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। तो हम करने वाले हैं डेबिट कार्ड से। हमने डेबिट कार्ड को सेलेक्ट किया। इसके बाद इन बैंक के डेबिट कार्ड से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो हम इंडियन बैंक की डेबिट कार्ड से करने वाले, हमने सेलेक्ट किया, कॉन्टिन्यू में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने प्रीव्यू ओपन होके आ जाएगा, आपको सही से चेक कर लेना। अगर आपने किसी भी टाइप का मिस्टेक किया हुआ है तो आपको पेंसिल वाले आइकन में क्लिक करके एडिट वाले ऑप्शन की हेल्प से आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को एडिट कर लेना है। अगर सब कुछ सही है तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आना है। इसके बाद पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए पे नाउ में क्लिक करेंगे। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने आ जाएगी, इसको रीड कर लेना। चेक बॉक्स में टिक करेंगे, सबमिट टू बैंक में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना डेबिट कार्ड नंबर डालना है। इसके बाद एक्सपायरी डालना है, पहले वाले बॉक्स में मंथ डालेंगे, दूसरे वाले में ईयर डालेंगे। इसके बाद पिन डालना है। इतना डालने के बाद आपको सबमिट में क्लिक करना है। यहाँ पे काफ़ी लोग मिस्टेक करेंगे, पिन में आपको अपने ATM कार्ड का पिन डालना है। जब आप ATM मशीन से पैसा निकलवाते हैं तो जो पिन डालते हैं वो वाला पिन डालना है, ना कि आपको अपनी CVV नंबर डालना है। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। इसके बाद पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेस का मैसेज लिख के आ जाएगा। इसके बाद आपको डन वाली बटन में क्लिक करके आपको पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपकी साइबर कैफे की शॉप है तो आप अपने कस्टमर को इस पेमेंट रिसिप्ट को दे सकते हैं। इसके बाद जैसे ही डन में क्लिक करेंगे आपका चालान पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। इसके बाद डाउनलोड में क्लिक करके इसका PDF डाउनलोड कर लेना। पेमेंट को कंप्लीट करने के 48 घंटे बाद फिर से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट में आना होगा। इसके बाद लिंक आधार में क्लिक करेंगे, पैन नंबर डालो, आधार नंबर डालो, वैलिडेट में क्लिक करो। वैलिडेट में क्लिक करते ही आपके सामने मैसेज लिख के आ जाएगा कि जो आपकी पेमेंट डिटेल्स हैं वो वेरीफाई की जा चुकी है। अब आपको आधार पैन लिंक करने के लिए जो रिक्वेस्ट है वो इनेबल है, ठीक है, कॉन्टिन्यू में क्लिक करेंगे।
इसके बाद आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको अपना नाम इंटर करना है, मोबाइल नंबर डालो, मोबाइल नंबर कोई सा भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद अगर आपके आधार कार्ड में ओनली ईयर ऑफ बर्थ दे रखे हुए हैं तो आपको बॉक्स में चेक करना होगा। अगर डेट ऑफ बर्थ पूरी कंप्लीट दे रखी हुई है तो आपको बॉक्स में टिक नहीं करना है, इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेकंड वाले में आपको एग्री करना होगा आधार डिटेल्स को वैलिडेट करने के लिए, तो आपको चेक करना है लिंक आधार में क्लिक करेंगे, ओटीपी डालो, वैलिडेट में क्लिक करो। इसके बाद जो आपका आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है। इसके बाद अब आपको 48 घंटे के बाद आपको अपने आधार पैन लिंक स्टेटस को चेक करना होगा। तो यहाँ पे आपके सामने मैसेज लिख के आ चुका है, ओके में क्लिक करेंगे। आफ्टर 48 आवर्स फिर से आना हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में, लिंक आधार स्टेटस में क्लिक करूँ, पैन नंबर, आधार नंबर डालने के बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस में क्लिक करूँ। इसके बाद आपको एक बड़ी मिस्टेक नहीं करनी है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। जब भी आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करेंगे तो आपकी जो आधार की डिटेल रहेगी जैसे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इसके बाद फादर नेम या एडिशनल डिटेल्स हो गई, तो वो सेम वही आपके पैन कार्ड में होना चाहिए, तभी आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की रिक्वेस्ट डालना। अदरवाइज आपका 1000 रुपये का पेमेंट फंस जाएगा, फिर से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को करेक्शन करने के बाद फिर आपको उसी पेमेंट के थ्रू आप अपना काम कर पाएंगे। जैसे ही इतनी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे आपके सामने मैसेज लिख के आ जाएगा कि जो आपका पैन नंबर है वो आधार कार्ड से या आपका ये जो आधार नंबर है ये लिंक हो चुका है, क्लोज में क्लिक करेंगे। तो ये रही छोटी सी इन्फॉर्मेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।